इस वक्त हमारे साथ यासिर अराफात साहब मौजूद है, जो कि हज हाउस के ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह का सर्कुलर जारी हुआ है कोविड सेंटर के लिए, हज हाउसेस के लिए, आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ किस तरह का सर्कुलर जारी हुआ है और क्या कदम उठाए जाएंगे। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर हमें रिसीव हुआ है कल। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के निर्देश अनुसार उनके द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जितने भी स्टेट के अंदर हज हाउसेस हैं उनको टेम्परेली कोविड सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उसी के तारतम्य में, उसी के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हमें सर्कुलर भेजा है, जिस पर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को चिट्ठी लिख दी है, जिस पर हमारे द्वारा कार्रवाई प्रचलन में है। और हमारे द्वारा जो भी हज हाउस से मुतालिक मदद होगी, कोशिश होगी, नियम अनुसार वो सब की जाएंगी। जी, ऐसे किस तरह, जिस तरह का जगह हमारे हज हाउस में, एक नया हज हाउस बना है, उस हिसाब से एक बड़ी जगह है, तो किस तरह के इंतजाम करेंगे, कितने बेड का रहेगा, क्या इसके लिए? ये तो डिपेंड करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन के पश्चात कि कितने बेड्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर कोविड सेंटर नहीं बनाया गया था, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था हज हाउस को, तो इट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन। तो अब प्रेजेंट में इंस्पेक्शन के बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, कितने बेड्स अवेलेबल किए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जी यासिर भाई, जिस तरह से मुस्लिम तंजीमें बेदार है इस वक्त कोविड के मामलों को लेकर, क्या यहाँ पर भी हमारी ऐसी टीमें काम करेगी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह सब जगह टीम्स काम कर रही हैं। मसाजिद कमेटी भोपाल की भी जो टीम है वो अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रही है बस्तियों में जाकर। एक माइक से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि भाई सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, आपका मास्क मेरी हिफाजत, मेरा मास्क आपकी हिफाजत। इसी तरीके से फूड पैकेट सप्लाई किए जा रहे हैं, राशन सप्लाई किया जा रहा है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की मदद में, इंसानियत की मदद में जो भी खिदमात हैं वो कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। जी, जिस तरह से यासिर अराफात साहब का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इन्हें सर्कुलर जारी हुआ है उस पर अमल किया जाएगा, और साथ ही रही बात कि कितने बेड का यहाँ पे कोई सेंटर होगा, वो महकमा हेल्थ पर डिपेंड करता है कि वो इनको किस तरह का प्रपोजल देते हैं। और जिस भी तरह का प्रपोजल देंगे, यासिर अराफात ने साफ तौर से कहा है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ कमर गौस, ETV भारत उर्दू, भोपाल।